ओम शांति तो हम लोग देख रहे थे मिथ्स ऑफ अल्कोहल मिथ्स माना भ्रामक कल्पनाएं, भ्रम या असत्य बातें जिसे लोग सत्य समझते हैं मिथ से माइथोलॉजी शब्द आया है, है ना मिथ्या संस्कृत का मिथ्या शब्द मिथ्या से मिथ है पहला संस्कृत शब्द है मिथ्या है तो ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं या भ्रामक कल्पनाएं जिसको लोग सच समझते हैं तो ऐसे मानते हैं कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है ये भी मिथ है क्यों मिथ है क्योंकि जो लोग शराब के ऊपर डिपेंडेंट है उनको अच्छी नींद नहीं आती है <coughs> शराब के बगैर उनको अच्छी नींद नहीं आती है और जो लोग शराब रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं वो अगर शराब पिएंगे नींद के लिए तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी इसलिए मैंने ये सब ग्रुप में डाल दिया है अगर आप ग्रुप में हैं ना आप देखो ये सब पीपीटी आ गया है ग्रुप में ट्रेनिंग मैनुअल भी डाल दिया है सॉफ्ट कॉपी दो पेज का चार पेज का सब डाल दिया है तो आप उसको आराम से पढ़ लेना अभी समझने की कोशिश करो कई लोग है ना शराब को नींद के लिए यूज़ करते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आएगी लेकिन ये गलत है शराब पीने से नींद अच्छी नहीं आती है उल्टा डिस्टर्ब हो जाती है मैंने आपको बोला ना एक टॉलरेंस करके शब्द जो कल ने भी सर ने भी बोला था व्हाट इज़ टॉलरेंस अंग्रेज़ी का टॉलरेंस माना सहन शक्ति पर यहाँ पे नहीं एकमोडेशन नहीं हाँ टॉलरेंस का मतलब है कि आपको वही इफ़ेक्ट आने के लिए ज़्यादा लेना पड़ेगा तो अभी शराब में आप पहले एक पैक पीते थे एक पैक माना थर्टी एम का एक पैक होता है वन आउंस वो पीने के बाद आपको नींद आता था अभी एक पैक से नींद नहीं आएगा तो आप दो पैक लेंगे फिर दो से नहीं आएगा फिर आप तीन पैक लेंगे ऐसे पैक बढ़ते जाता है और फिर लास्ट में आप पैक हो जाते हो तो दिस इज वाट हैपन्स अलकोल हेल्प्स पीपल टू फर्गेट देयर प्रॉब्लम्स ये एक बहुत बड़ा मिथ है थोड़ा दारू पियो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बोलते क्या है वो हिंदी में ऐसे मान्यता है वो कहते हैं कौन कहता है कि गमों को भुलाती है शराब कौन कहता है कि गमों को भुलाती है शराब उल्टा गमों को याद दिलाती है शराब <laughs> है ना शराब पीने के बाद एक एक गम सब बाहर आने लगते हैं जो भी दबा पड़ा है सब बाहर आता है शराब पीने के बाद में तो शराब पीने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं लोग शराब इसलिए पीते हैं कि थोड़े समय के लिए वो भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए हाँ जब तक उसका असर है तब तक तब तक वो डरेगा नहीं बीवी से जैसे या असर आप लोग समझ गए दिस हैज बिकम अ ट्रूथ बिकॉज रेगुलर है अल्कोहल यूजर्स ऑफन से दैट दिस इज द रीजन वाई दे ड्रिंक अल्कोहल वेरी ऑफन द अपोजिट इज फाउंड टू बी ट्रू पीपल ब्रिंग अप फॉरगॉटन प्रॉब्लम्स ओनली वेन दे आर इंटॉक्सिकेटेड तो शराब पीने के बाद पुरानी बातें और बाहर आ जाती है भूलते नहीं है वो हाँ कंट्रोल चला गया हाँ, <laughs> तीसरा चौथा मिथ है कि अल्कोहल इज़ अ गुड वे टू कोप अप विथ कोल्ड वेदर ठंडी में शराब पीना चाहिए ये और एक मिथ है सबसे बड़ा मिथ है यह है कि शराब पीने से ठंडी भागती है डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं ये गलत है ये सच नहीं है अल्कोहल से क्या होता है आपके ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं अभी इसको समझो अच्छी तरह से ब्लड वेसल जैसे ही डायलेट हो गया तो ब्लड फ्लो चालू हो जाता है वैसे डायलिटेशन हम कहते हैं और आपको थोड़े समय के लिए गर्मी लगता है लेकिन होता क्या है जैसे ब्लड फ्लो ब्लड जाएगा डायलेट हो जाएगी आपकी पूरी हीट शरीर से बाहर चली जाती है और आपका बॉडी ठंडा पड़ जाता है तो अल्कोहल से शरीर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है एक फीलिंग है ये The skin feels warm but in cold environment body tries to save the heat by cutting down the blood supply to the skin. Thus alcohol is not a good way to warm up in the cold if a person is exposed to the cold. after consuming alcohol, there can be significant heat loss from the body. This can be dangerous in fact. Afne Sharya or the तो आपके बॉडी का टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा तो दैट्स वाई इट्स अ मिथ ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये अमेरिका से आया हुआ है ये मिथ है मिथ माना ये गलत मान्यता है कि शराब पीने से ठंडी भाग जाती है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूँ मैं कहाँ गया था कश्मीर कश्मीर में बर्फ बर्फ़ था वो बर्फ में सोल्जर ऐसा खड़ा है अभी मेरे को तो बातें निकालनी होती मैंने कहा कैसा लग रहा है बोला बहुत अच्छा है मैंने कहा ठंडी बोला नहीं आदत हो गई अभी मैंने कहा ठंडी बताने के लिए कुछ तो करते होंगे अभी मुझे पता है कि आर्मी में कोटा फ्री रहता है मैंने कहा वो जो मिलता है वो तो लेते होंगे बोला नहीं सर मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाया मैंने कहा कब से पच्चीस साल हो गए मैं आर्मी में हूँ एक बार भी शराब को हाथ नहीं लगाया है ना ऐसे आपने मैंने कहा आप अकेले होंगे बोला नहीं सर हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो आर्मी में फ्री में शराब मिलती है लेकिन हमने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया है तो ऐसे लोग भी हैं जो आर्मी में फ्री में कोटा मिलने के बाद भी शराब नहीं पीते हैं सिख लोग हैं मुस्लिम लोग हैं कुछ हिंदू भी हैं जिन्होंने कभी अभी उनका प्रोटोकॉल होता है जब भी उनका बॉस आता है ना हर एक को शराब पीनी पीती है मैं और मैंने कहा पर पार्टी होती है तब आप क्या करते बोला हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम शराब को हाथ नहीं लगाते हैं तो ये ऐसे लोग आर्मी में हैं जो बर्फ़ में काम कर रहे हैं बर्फ़ में खड़ा है वो इतना बर्फ़ है मैं कॉँप रहा हूँ ऐसे मेरे को ठंडी की आदत नहीं है लेकिन वो बर्फ़ में कंटिन्यूस रहते हुए लोग शराब नहीं पीते तो इट्स अ मिथ ये गलत मान्यता है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शराब की ज़रूरत है अच्छा अभी ये कॉलेज के स्टूडेंट में क्या मान्यता है वो कहते हैं कि बियर हार्ड लीकर नहीं है इसलिए इसको आराम से पी सकते हैं ये हार्ड लीकर माना विस्की रम ये ज़्यादा डेंजरस है बियर से कुछ नहीं होता है ये भी एक भ्रामक मान्यता है जो हमने देखा ना तीन बॉटल का पिक्चर बियर इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेज ऑल्दो इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल देन हार्ड लिकर लाइक विस्की और राम बियर डज कंटेन फोर टू एट परसेंट अल्कोहल सो वन ट्वेल्व आउंस बॉटल ऑफ बियर इज इक्वल टू वन पेग ऑफ विस्की माना बारह आउंस का थ्री सिक्सटी एम एल का हाँ पता है थ्री सिक्सटी का जो बियर का बॉटल है इज़ इक्वल टू वन पैग ऑफ विस्की क्योंकि दोनों में सेम अल्कोहल है तो ये गलत है कि बियर पीने से नुकसान नहीं होता है बियर में भी अल्कोहल है सिर्फ परसेंटेज कम होते हैं तो आप ज़्यादा पियोगे तो उतना ही अल्कोहल बॉडी को मिल रहा है समझ रहे हैं हाँ आपको बहुत पता है <laughs> 90 एम फिल्म है अच्छा उसमें क्या है नहीं नहीं नहीं। 90 ml क्या है पता है 30 ml का एक पैक होता है 90 ml बड़ा पैक है ना 90 ml बराबर बोली बहन जी वेरी गुड वो फिल्म देखना और मेरे को बताना क्या है उसमें अच्छा आपने देखा है एडवर्टाइज में आता है माना हर वक्त वो नाइनटी एम एल लेता रहता है अच्छा अच्छा है ऐसे मूवी से लोगों में अवेयरनेस आता है पर वो कोशिश नहीं करे 90 एम की तरफ जाने की इफ समबडी ड्रिंक सिक्स बॉटल ऑफ बियर इन एन इवनिंग ही हैज कंज्यूम एन इक्वल एंड सिक्स पेक्स ऑफ विस्के लोग गलत क्या समझते हैं कि बियर माना कितना भी पियो कुछ नहीं होगा गलत है अगर आप छः बॉटल बियर के पीते हो तो आपने छः पैक विस्की का पी लिया तो ये नहीं है कि बियर सेफ़ है इसलिए ज़्यादा पी सकते हैं उसमें भी अल्कोहल ऐसी परसेंटेज कम है समझ गए आप ये कॉलेज के स्टूडेंट ना इसमें फंस जाते हैं वो समझते है, बियर में कोई नहीं वो तो पानी है चार परसेंट से कुछ नहीं होता है लेकिन अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी लिया तो यू आर बाउंड टू गो हाँ 360 सिक्सटी एम अच्छा अल्कोहल हैज बीन शोन टू गुड फॉर द हार्ट सो वन शुड ड्रिंक अल्कोहल एवरी डे ये भी एक गलत मान्यता ये कौन प्रमोट कर रहे है, है? वाइन इंडस्ट्री वाले वाइन इंडस्ट्री माना जो वाइन बनाते हैं वो ये प्रमोट कर रहे अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट रोज पियो क्या फेस में ग्लो आता है, ग्लो है। अच्छा तो विणा 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 विणा। लोग मारते हैं ना तो लाल लाल हो जाता है उसको ग्लो समझते होंगे <laughs> तो अच्छा से सुके सुके के लाते। देर है ना? हाँ मेरा गांव गोवा है ठीक <laughs> है टैक्स फ्री जहाँ भी होता है ना दमन दीव नरोली सैलवास जहाँ पे टैक्स फ्री है बहुत सस्ता होता है यूनियन टेरिटरीज़ है जहाँ पे टैक्स फ्री शराब होती है और केरला और गोवा ये दोनों टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट ना शराब पीने के लिए आते हैं एंजॉय करने के लिए तो वहाँ जाके शराब पीते हैं हाँ कस्टम फ्री ये बहुत लोगों ने ना पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया है कस्टम फ्री लेकिन जो मज़ा कल्लू में है ना वो आपको इसमें नहीं मिलेगा चीप सस्ता और अच्छा मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ पर लोग ऐसे समझते हैं सस्ता और अच्छा ज़्यादा मेहनत नहीं अभी ये क्यों गलत है देखो अभी आप लेटेस्ट स्टडी कोट कर सकते हैं जो डॉक्टर आपको बोलते हैं ना वाइन अच्छा है उनको ये स्टडी बताओ लैनसेट लैंसेट एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है उसमें स्टडी आया दो का लेटेस्ट 2018 स्टडी बाय द व्हिच इज़ डन इन 195 कंट्रीज 195 कंट्रीज में ये स्टडी हुआ है शोन दैट देर इज नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल ये लोग बोलते एक पैक फीमेल के लिए और दो पैक मेल के लिए सेफ ये मैं जब था मेडिकल कॉलेज में हमको सिखाया गया फीमेल एक पैक पी सकती है और मेल दो पैक ये हमको सिखाया गया है सेफ है उसके आगे नहीं जाना चाहिए पर यह स्टडी सबसे बड़ी स्टडी है इसमें क्या कहा देर इज नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल ओल्डर स्टडी हैज़ शोन द पोटेंशियल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन हार्ट दिस रिसर्च हैज़ बीन बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल मोस्टली वाइन ऑन अ डेली बेसिस Consumption of alcohol on a daily basis is a matter of concern as some people cannot control the quantity of alcohol. बहुत कम लोग होते हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं हमने क्या देखा ब्रेन में जो चीज़ आपको सुख दे रही है उस हैबिट को आप रिपीट करते हैं है ना एक पैक से अच्छा लग रहा है आप एक पैक पे रुकने वाले नहीं हैं बराबर है आपके खाने में सब्जी अच्छा आया आप रोज़ एक रोटी खाते हैं आज की सब्जी अच्छी है तो और एक रोटी खाएंगे क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है दिस इज़ वॉट हैपन्स विद अल्कोहल आप एक पैक पे रोकेंगे नहीं ये इसमें डेंजर होता है कंजम्पशन कैन ग्रेजुअली इंक्रीज़ टू डेंजरस लेवल्स हेवी अल्कोहल कंजम्पशन इज़ सर्टनली बैड फॉर हार्ट एंड द बॉडी और सुबह मैंने क्या कहा था एंटी ऑक्सीडेंट थेरी ये लोग बोलते क्यों वाइन पीना चाहिए क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट्स आर गुड फॉर हार्ट इसमें कोई दो राय नहीं है पर एंटी ऑक्सीडेंट सभी वेजिटेबल्स में और सभी फ्रूट्स में होते हैं तो मुझे अगर बॉडी के लिए एंटी चाहिए तो मैं शराब पीऊँगा या फ्रूट्स खाऊँगा सिंपल है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाएंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे फिर और एक मान्यता है वो औरतें क्या बोलते हैं मेरा पति बहुत अच्छा है लेकिन केवल वो शराब पीता है ना तभी मेरे को लात मारता है नहीं तो नहीं मारता है <laughs> ये भी क्या दया भाव है केवल शराब के अंडर ही वो गड़बड़ करता है ये भी अभी गलत है वेन वूमन इज बीटन बाय हजब वाइल ही सोबर शी मे कंसिडर दिस अनएक्सेप्टेबल माना जब उसने शराब नहीं पिया तब मारता है तब उसको अच्छा नहीं लगता है लेकिन शराब पीने के बाद चलता है क्योंकि उसने ये मान लिया है कि शराब पीने के बाद यह वायलेंट होता है रॉन्ग रॉन्ग है ही बिहेव एग्जैक्टली इन सेम मैनर आफ्टर ड्रिंकिंग शी मे फॉर हिम एंड ब्लेम अल्कोहल सोसाइटीकेटेड पीपल मेक्स इट लेस रिस्की टू बिहेव डेविएंटली वाइल इंटॉक्सिकेटेड प्रोजेक्ट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ हार्म फ्रॉम अल्कोहल आई शोन दैट इफ़ सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट अन एक्सेप्टेबल बिहेवियर विथ आर विदाउट अल्कोहल सच वे बिहेवियर सीजेस अगर समाज ने डिसाइड किया कि कोई भी व्यक्ति उसने शराब पिया है नहीं पिया है अगर वो मारता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा ये मैसेज गया तो शराब पीने वाले भी चुप हो जाएंगे ये स्टडीज से पता चला है इसका मतलब उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैं शराब पी के मारूंगा तो मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा तो इसलिए ये मिथ है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल विथ और विदाउट अल्कोहल जो गलत है वो गलत ही है आप शराब पियो या नहीं पियो यू कैनॉट बीट एनी गलत है वो गलत है पर कई माताएं मेरे को बोलते हुए वैसे मेरा पति बहुत अच्छा है एकदम भगवान जैसा है सिर्फ शराब पीने के बाद वो मारता है <laughs> तो ये मिथ है ये एक भ्रामक कल्पना है ये सत्य नहीं है यस लॉयर्स yes, ये कहते हैं ये गलत है तो ये मिथ है तो इसके ऊपर अभी स्टडी है कि ये लर्न बिहेवियर है ये सीखा है उस व्यक्ति ने जैसे कई लोग ना क्रोध के ऊपर मुझे बोल रहे थे तो क्रोध वाले क्या करते हैं इसको डिफेंस मैकेनिज़्म बना लेते हैं क्योंकि उनको पता है गुस्सा करेंगे तो सब चुप हो जाएंगे तो लोग क्या सोचते अरे ये गुस्सा करे चुप हो जाओ ना चुप हो जाओ ना वो उसका फायदा उठाता है वो हर वक्त गुस्सा करके अपना काम करवा लेगा और बेचारे लोग सोचते हैं अगर अभी इसको कुछ बोलेगा तो ये गड़बड़ कर देगा इसे तो चुप रहना अच्छा है तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं गुस्सा करने वाले लोग क्योंकि उनको पता है एक बार मैंने मेरा आवाज़ चढ़ा दिया सब चुप होने वाले सो so, क्रोध को शस्त्र के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी मिथ है इफ़ योर फ्रेंड्स आर ड्रिंकिंग यू हैव टू ड्रिंक टू हैव अ गुड टाइम विद देम यह भी एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे पास एक भाई आता था उसको आदत नहीं थी पर उसके बॉस के साथ उसको मीटिंग में जाना पड़ता तो बॉस बोलता है देख मेरे साथ लेना पड़ेगा तो वो कहते हैं मैं क्या करूं मेरा जॉब है बॉस के साथ मैंने कहा कोई बात नहीं आपको बॉस को बोलना है मुझे डॉक्टर ने बोला है तुमको अल्सर है तो मैं आपके साथ रहूंगा लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा जैसे उसने बोला अल्सर है बॉस ठीक है चलो तो कोल्ड ड्रिंक पी तो आपको युक्ति से चलना पड़ेगा बराबर है ना ज़रूरी नहीं है कि आपका जॉब जाए कोल्ड ड्रिंक में परसेंटेज नहीं वो लोग मिलाते हैं अल्कोहल कलर सेम होता है ना वो पार्टी में अभी सबके सामने शराब नहीं पी सकते तो ये बच्चे बहुत चालाक होते हैं वो कोला की बॉटल ना आधी कर देते उसमें अल्कोहल डाल देते और पी, देखो मैं कोका कोला पी रहा हूँ हमारे इधर क्या हुआ मैं एक स्कूल में लेक्चर लिया तो बच्चे ने बताया शादी में कुछ लोगों ने क्या किया उनको शराब पीनी थी तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल थे उसमें शराब मिला दी अभी उस शादी में जो माताएं बहनें थे, उनको ये बात पता नहीं है उनको कोल्ड ड्रिंक सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी और वो सब माताओं का कंट्रोल चला गया <laughs> क्योंकि वो समझ रहे थे कोल्ड ड्रिंक है और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीछे शादी में हंगामा कर दिया क्योंकि माताओं के लीवर में वो एंजाइम नहीं होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजीनियस जो तोड़ता है तो उनको जल्दी चढ़ जाती है मेल्स में अल्कोहल डिहाइड्रोजीनियस करके एक एंजाइम होता है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है इसलिए माता को कंट्रोल करना ज़रूरी है जय माता दी नहीं वो ये सब ना मिथ है भगवान के नाम पे हम अपना इच्छा पूर्ण कर देते आपको बकरा खाना है कहते देवी को बकरा चाहिए खाना आपको है पर नाम देवी का डाल रहे हैं ऐसे ये भांग वगैरह है ना ये शंकर के नाम पे चढ़ा दिया क्योंकि उसने वो पॉइजन पिया था ना तो शंकर को चलता है तो हमको भी चलता है सो दिस इज ऑल मिथ है ना देखो गांजा इज़ अ गुड मेडिसिन अभी आज क्या हो रहा है भारत में एक लॉबी काम कर रही है वो क्या करना चाहते गांजा को लीगल करना चाहते जैसे तंबाकू मिलता है वैसे गांजा भी ऑफिशियली मिलना चाहिए क्यों उनका लॉजिक क्या है कि, कि गांजा इज अ मेडिसिन है मेडिसिन पर गांजा के अंदर गांजा आपको पता है ना वो गवत होता है तो वो गांजा के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है टी टेट्राहाइड्रो है ना ये काम करता है ये आपको रिलैक्स करेगा पेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो आयुर्वेद में इट इज अ मेडिसिन पर मेडिसिन का डोज होता है ना अभी फ्लैम गोली आपको पता है पेन किलर है फ्लैम कितना खाओगे एक वक्त दिन में तीन बार दस गोली थोड़ी खाई जाती है तो ये गांजा लेने वाले ये दवाई समझ के ज़्यादा ले लेते हैं और उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है तो दवाई का लेने का तरीका होता है ना ऐसे ही नहीं ले सकते ना आप तो ये लोग अभी लीगलाइज करना चाहते हैं ये लोग बहुत स्ट्रांग है ये लॉबी है गांजा वालों की जय वो कहते हैं अमेरिका में अलाउड है इस कंट्री में वहाँ पे लीगल है आप लीगली गांजा ले सकते हैं वहाँ कोई सज़ा नहीं भारत में सजा है ये शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा था पता है उसके पास गांजा मिला था आफ्टर सर्टन क्वान्टिट्टी यू कैनॉट कंज्यूम इट पजेस भी नहीं कर सकते कल जो सचिन आए थे ना सचिन घोरपड़े जोनल डायरेक्टर उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कमर्शियल क्वांटिटी सुना आपने सो देर आर टू क्वांटिटी एक स्मॉल क्वांटिटी होता है कमर्शियल तो कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास पाई गई हर ड्रग के लिए कमर्शियल क्वांटिटी अलग है य कुछ ऐसे ड्रग है जिसमें पाँच ग्राम इतना सा कमर्शियल क्वांटिटी हो जाता है आपको पंद्रह साल की सजा है गांजा के लिए एक किलो के ऊपर अगर गांजा पाया गया कमर्शियल क्वांटिटी तो ये एन एक्ट है एन सुना है आपने नार्कॉटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है तो ये सब ये जो पुलिस वाले हैं ना नार्कॉटिक वाले इनका काम ही है लोगों को पकड़ना कितना मिला तो वो पहले तो लैब में बेचते कौन सा ड्रग है पाउडर सब एक जैसा दिखता है वो पाउडर पहले टेस्ट करेंगे कौन सा पाउडर है कोकेन है कितना मिला अच्छा कमर्शियल क्वांटिटी गया जेल में पंद्रह साल दो लाख रुपया फाइन है तो ये कायदा बहुत स्ट्रिक्ट है रेप से भी ज़्यादा कड़ा कायदा है रेप में भी इतनी सज़ा नहीं है जितना इसमें है और इसमें ऐसा नहीं कि आप बेच रहे हैं आपके पास पाया गया तो भी सज़ा है कंजम्पशन नहीं, इवन आपके पास पकड़ा भी गया ना वो आपने लिया नहीं है लेकिन आपकी गाड़ी में है आपके घर में तो भी सजा है हाँ संजय दत्त को पकड़ा था तो ये सब कायदे बहुत कड़े हैं ये है मिथ्स ऑफ अल्कोहल अभी मिथ्स ऑफ टोबैको हम देखते हैं मैं वो कायदे के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन वो Uh, मेरे ख्याल से वो आपके यहाँ के लोकल जो है ना वो आपको तेलुगु में बहुत अच्छा बताए मेरे पास है इसके भी बहुत सारे मित है अगर आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो आपका वजन बढ़ेगा इसलिए छोड़ो ही मत अभी ये फैक्ट है कि सिगरेट पीने के बाद मैंने आपको बोला भूख बहुत लगती है क्यों भूख लगती है टेस्ट बर्ड आपके वापस चालू हो जाते स्मेल एंड टेस्ट बर्ड तो आपको भूख लगती है आप ज़्यादा खाते हो तो उससे वज़न बढ़ता है ये बात है लेकिन अगर आपका खाने पे आपने कंट्रोल रखा हेल्दी डाइट लिया तो वज़न नहीं बढ़ेगा तो ये मिथ है अल्दो मेनी स्मोकर डू गेन सम वेट वेन दे वेट इट्स यूजअली अंडर टेन पाउंड ज़्यादा नहीं बढ़ता है दस पाउंड माना दो से तीन किलो बढ़ेगा बट वेट गेन इज एंड इनविटेबल इफ यू एक्सरसाइज एंड वॉच योर कैलरीज यू कैन कंट्रोल इट और आजकल कल दवाइयाँ बहुत अच्छा है छोड़ने के लिए बी प्रोपियन ये ये ग्लैक्सो का दवा है जायबेन ये एंटी डिप्रेसेंट है पर ये इससे नशा छूटता है तम्बाकू का निकोटिन एडिक्शन इज इम्पॉसिबल टू बिट तंबाकू छोड़ना महाकठिन है इसलिए छोड़ो नहीं पता नहीं अच्छा आ गया आपने फिर से पॉजिटिव संकल्प किया होगा नहीं चलने दो अभी इसमें बहुत सारी मान्यता है ये आपको ना समझाना है लोगों को क्योंकि ये मान्यताओं के वजह से ही लोग बदलते नहीं हैं कहते तंबाकू एक बार चालू किया तो छोड़ना मुश्किल है मरते वक्त ही जाएगा ये फैक्ट है कि निकोटीन एटलीस्ट वन फिफ्थ ऑफ स्मोकर्स यूज निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सच एज पैचेस गम और नेजल स्प्रे कैन स्टे स्मोक फ्री आफ्टर द सेम पीरियड एंड रिजल्ट्स आर इवन बेटर वेन जायबन एंड निकोटिन रिप्लेसमेंट्स आर कंबाइंड तो तंबाकू अगर किसी को छोड़ना है अगर वो दवाई गम और काउंसलिंग लेता है तो उसका नशा छूट जाता है तो ये सोचना नहीं है कि मैं इसके बगैर नहीं चल सकता कई लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है कहते हैं हम तम्बाकू छोड़ेगा, हमारा सुबह सुबह पेट साफ़ नहीं होता है सुबह सुबह लेना ही पड़ता है वो फूकेंगे तभी लाइन क्लियर होगा हाँ बीड़ी लेके अंदर जाता है बराबर देखा है आपने बहुत कुछ देखा है <laughs> <laughs> नहीं आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ना मधुबन जा रहे हैं आपने देखा सुबह आप बाथरूम जाएंगे ना स्मेल आएगा बीड़ी का क्योंकि उनको पेट साफ़ करना होता है वो बीड़ी फूक के ही अंदर जाएंगे क्योंकि वो एक प्रकार का केमिकल इफ़ेक्ट होता है लेकिन बीड़ी तंबाकू छोड़ने के बाद में आप ऊपर से खा रहे थे नीचे से ही निकलेगा वो रहेगा नहीं उधर आपको उसके लिए थोड़ा समय तक सपोर्ट लेना चाहिए पानी पियो गर्म पानी पियो योल लो सॉफ्टोवैक्ट पाउडर बहुत कुछ आता है धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है आपने उसको आदत लगाई है सुबह चाय जब तक पिएंगे नहीं पेट साफ नहीं होगा ये आदत की बात है इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में मैं अभी क्या करता हूँ सुबह एक गिलास पानी पिया मेरा लाइन क्लियर मेरे को चाय नहीं चाहिए है तो पर कई लोगों को चाय चाहिए सुबह चाय पीने के बाद कहते हमारा पेट साफ़ हो जाता है ये भी एक आदत है इसको बदला जा सकता है बराबर है ओके okay. फिर क्या है सिंपली क्विटिंग कोल्ड टर्की डजन वर्क डॉक्टर्स बताओ व्हाट इज कोल्ड टर्की ये इंग्लिश का शब्द है कोल्ड टर्की व्हाट इज कोल्ड टर्की हाँ कोल्ड टर्की का मतलब है तुरंत छोड़ देना दो तरीके हैं तंबाकू छोड़ने के या नशा छोड़ एक धीरे धीरे कम करते जाओ माना आप दस सिगरेट पी रहे तो आठ करो फिर छः करो फिर चार करो क्योंकि उनको डर लगता है कि तकलीफ़ हुआ तो क्या करें और एक है तुरंत छोड़ दो आज बहनों ने बोला मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ मेरे लिए इतना नहीं करोगे गया।, गया वो बेचारा भावना में आके छोड़ देता है तुरंत तो ये तुरंत छोड़ देना जो है ना इसको बोलते कोल्टर की अभी लोग कहते हैं सिंपली क्विटिंग कोल्ड टर्की डजन वर्क स्टडीज़ क्या कहते हैं ओवर 17 मिलियन पीपल हु ट्राई टू किट फॉर एटलीस्ट वन डे ड्यूरिंग ग्रेट अमेरिकन स्मोक आउट मोर देन फोर मिलियन आर स्टिक स्मोक फ्री माना ये सबसे कारीगर टेक्निक है तुरंत छोड़ना मैंने भी देखा है जो लोग तुरंत छोड़ देते हैं ना वो सक्सेसफुल होते हैं पर जो लोग डरते हैं वो धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ये दोनों टेक्निक काम करता है पर आपको यूज करना चाहिए मिथ फॉर लाइफ लॉन्ग द डैमेज हैज हेल्प मैंने अभी बीस साल पी लिया है जो भी नुकसान होना तो हो गया है अभी कोई फायदा नहीं है छोड़ने का ऐसे भी कई लोग बोलते हैं बहुत लोग बोलते हैं ना नुकसान हो चुका है अभी क्या मेरे को अंदर जो डैमेज हो रहा था नहीं फिर आपको वो डेटा बताना है धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर हो रही है तो ये सब इट्स नेवर टू लेट टू क्वेट व्हेन यू डू द बॉडी बिगिंस टू रिकवर विद इन ट्वेंटी मिनट्स दैट्स वेन बी पी ड्रॉप्स टू नॉर्मल आफ्टर एट आवर्स कार्बन मोनॉक्साइड ट्वेंटी फोर आवर्स चांस ऑफ हार्ट अटैक तो आपका रिस्क फैक्टर रिवर्स हो रहा है तो ये भी मिथ है कि अभी कोई फायदा नहीं है मैंने इतने साल ले लिया है नहीं जब आप चेंज करो तब से आपका बॉडी रिकवर होने लगेगा स्मोकिंग इज डेंजरस इफ यू डोंट डों ये एक और मान्यता है कहते हम ऐसे ही लेते इधर ही लेते मुंह में अंदर नहीं लेते हैं मुंह में <laughs> वो कहते कि लंग्स में नहीं जाना चाहिए इधर गया तो चलेगा ये भी एक मिथ है बाहर फूकते उनको लगता है अंदर गया तो नुकसान होता है इधर मुंह में रखने से कुछ नहीं होता है फूल्स दे डोंट नो कि निकोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है एक गाल के त्वचा से निकोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है सो स्मोकर्स हु डोंट इनहेल इंक्लूडिंग पाइप सिगार स्मोकर आर स्टिल एट रिस्क फॉर लिप माउथ एंड टंग कैंसर भले वो अंदर नहीं लेकिन यहाँ का भी कैंसर हो सकता है ना अभी गुटका खाते नहीं है यहाँ ही रहता है ना, लेकिन फिर भी सब्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है ना। सिल्वर हाँ पहले सिल्वर नाइट्रेट लगाते थे अभी तो बहुत सारी दवाई आ गए स्मोकलेस एंड स्नफ आर सेफ अल्टर टू स्मोकिंग वो स्मोकिंग से डेंजर है ये ये जो ऐसा करते हैं उससे कुछ नहीं होता है ये भी एक मिथ है सादा तंबाकू भी उतना ही खतरनाक है वो क्या समझते है? हम लोग खाते नहीं हैं ना तो बाहर थूक देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है रॉन्ग आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ मुँह का कैंसर वर्ल्ड में नंबर वन कौन सा कंट्री है इंडिया इज़ नंबर वन मेरा भारत नंबर वन और महान नहीं है ऐसे चीज़ों में महान नहीं बनना है मेरा भारत मुंह के कैंसर में वर्ल्ड में नंबर वन है क्योंकि भारत में ओरल टोबैको ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैंने तो एक केस देखा वो क्या करता था भाई ऐसे करके इधर रख देता था इधर है ना तो आज दबा के रखते सुबह ब्रश करने गए ब्रश यहाँ से बाहर आ गए खड्डा हो गया क्योंकि वो जलाता है चमड़ी को सो ओरल कैंसर्स वेरी हाई आप कभी मुंबई आए ना हमारे इधर टाटा हॉस्पिटल है परेल में आप देखना वार्ड में एक चक्कर लगाओ बहुत बुरा हालत है टाटा हॉस्पिटल ये सब वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है मैं आप हा? गुटका तो पच्चीस तीस साल हो गए नहीं था गुटका नहीं था पहले तंबाकू था गुटका नहीं था तो ये बहुत डेंजरस हो गया क्योंकि पाउच में कहीं पर भी लेके जाते हैं ना आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका और यूरोप के लोग भारत में आते हैं केसेस देखने को क्योंकि उनके पास ये केसेस नहीं है उनके पास लंग कैंसर है पर ये सब मिक्स फाइब्रोसिस देखने के लिए इधर आते हैं लोग अरे कैसा होता है पेशेंट सीखने को आते हैं क्योंकि आजकल पाउच लेके जाते हैं ना लोग उधर तो उधर भी केसेस आने लगे तो फैक्ट क्या है स्मोकलेस टोबैको लीड्स टू कैंसर ऑफ माउथ गम फेरिंग्स लैरिंग्स इजोफेगस फैक्ट इज इजनप डिपर्स कंज्यूम ऑन एन एवरेज मोर देन टेन टाइम्स द अमाउंट ऑफ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस वो ज़्यादा नाक से खींचते हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक है माई अदर हेल्दी हैबिट्स में मेकअप फॉर माई स्मोकिंग ये और एक बड़ा मिथ है मेरे पास लोग आते हैं सर शराब से लीवर खतरा होता है ना खराब होता है ना मैं लीवर टॉनिक लूँ और शराब पीऊँ तो ऐसे भी दिमाग चलाते हैं लीवर को ही नुकसान हो रहा है ना मैं लीव 52 टू लूँगा हिमालय का तो शराब भी पीऊँगा लीवर ठीक हो जाएगा यही है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ ना लंग्स का तो मैं जॉगिंग करूँगा एक्सरसाइज करूँगा तो जॉगिंग और एक्सरसाइज से मेरा स्मोकिंग का तकलीफ दूर हो जाएगा ये भी मिथ है गलत मान्यता है सम स्मोकर जस्टिफाई देयर हैबिट बाय इंसिस्टिंग दैट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज आर इनफ ये दूसरा सिग्नल आ रहा है मेरे को पहले माइक बंद हुआ <laughs> 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 क्या करना चाहिए आगे ठीक है रिसर्च शोज दैट ईटिंग हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज डोंट रिड्यूस हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद स्मोकिंग आप कहते हो मैं खाना अच्छा लेता हूँ है ना न्यूट्रिश डाइट लेता हूँ विटामिस की गोली लेता हूँ तो मेरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए रॉन्ग <laughs> उसके बावजूद भी आपको रिस्क फैक्टर रहेगी क्योंकि स्मोकिंग एंड टोबैको आर बिग रिस्क फैक्टर्स आप बच नहीं सकते हो ये देखो ये लास्ट लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है यू कूड टेक अ ट्रक लोड ऑफ विटामिन के विटामिन खाओ तो भी यू डू नॉट अंडू द डेडली इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ये किसने कहा है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टोबैको रिसर्च डॉक्टर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कह रहा है आप ट्रक भर के विटामिन खाओ तो भी आप तंबाकू के आपको पता है आप ज़्यादा विटामिन का डोज लेते हैं तो किसका फायदा होता है पता है नहीं कंपनी का तो होता है मुंबई में स्टडी हुआ बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आप उनको उन्होंने स्टडी में क्या देखा कि चूहे मोटे होते जा रहे हैं तो सोचो चूहे क्यों मोटे हो रहे हैं तो जो लोग विटामिन खा रहे हैं ना वो बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता है नीचे छोड़ देता है और वो स्टूए चूहे वो स्टूल खा खा के उनको विटामिन मिल रहा है <laughs> तो विटामिन अगर आप ज़्यादा लोगे ना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा बॉडी फेंक देगा बाहर उसको बॉडी जितना चाहिए उतना ही लेता है विटामिन बाकी वो स्टूल में चला जाता है तो चूहों की तबीयत अच्छी हो रही है क्योंकि उनको विटामिन मिल रहा है आप जो निकाल रहे हो ये मुंबई में स्टडी हुआ क्या क्या स्टडी करते हैं लोग अच्छा स्विचिंग टू लाइट सिगरेट विल कट माय रिसे और एक ये इंडस्ट्री का टैक्टिक्स देखो वो हेवी सिगरेट है ये लाइट सिगरेट है चार मीनार में वो ये नहीं होता है क्या फिल्टर नहीं है वो डेंजरस है इसलिए फिल्टर वाली सिगरेट के धुआं फिल्टर करके लाता है ये क्या क्या इन्होंने डाला है फीमेल्स के लिए अलग सिगरेट कैमल लाइट मेल्स के लिए अलग ये सब मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी है तो आप लाइट सिगरेट लो या स्ट्रांग सिगरेट लो आपको निकोटीन मिलना ही है केमिकल धुआ स्मोकर्स हु स्विच टू ब्रांड्स लेबल लाइट और माइल्ड इनहविटेबली कंपेन्से फॉर लोअर लेवल्स ऑफ टार एंड निकोटिंग बाय इन्हेलिंग स्मोक मोर डीपली अगर आप लाइट सिगरेट लेते हैं ना तो स्मोकर को जितना निकोटिन चाहिए वो खींच लेगा वो और गहरा स्मोकिंग करेगा इसलिए ये गलत मान्यता है कि लाइट सिगरेट लेने से नहीं होगा most people who smoke wind up getting the same amount of killing components of tobacco smoke cigarettes labeled as natural or organic are no safer than ordinary cigarette ek aur hota hai ke the ayurvedic cigarette i mean like what is ayurvedic cigarette तो उसमें ना वो कहते दवाइयाँ डाली हुई है उसका नाम भी क्या रखा था निरोध ऐसा कुछ रखा था है ना हर्बल सिगरेट और कई लोग क्या समझते हैं बीड़ी हर्बल है सिगरेट नुकसान करते है, बीड़ी हर्बल है बीड़ी से ज़्यादा डेंजरस है बीड़ी क्यों ज़्यादा डेंजरस है कि उसमें फिल्टर नहीं है और डायरेक्ट तंबाकू जला हुआ जाता है तो वो और डेंजरस है ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग विल स्ट्रेस मी आउट एंड दैट्स अनहेल्दी मैं अगर सिगरेट छोड़ो तो मेरा टेंशन और बढ़ेगा और वो ज़्यादा खतरनाक है इसलिए मैं सिगरेट चालू रखूँगा <laughs> ये भी गलत मान्यता है अभी कितने कितने मिथ्स है निकोटिन प्रोडक्ट्स आर आर एज अनहेल्पफुल एज स्मोकिंग माना सिगरेट छोड़ने के लिए निकोटिन का गम देते हैं तो वो भी ज़्यादा खतरनाक है मेरे पास एक केस है जम्मू कश्मीर में आर्मी में लेक्चर था वो आर्मी का जवान माना कर्नल था उसकी वा, वाइफ को एडिक्शन था गुटखा खाने का तो डॉक्टर ने उसको ये निकोटीन का गम दिया गम उसमें निकोटीन होता है अभी उसको गुटखा छूट गया वो चूइंग गम की आदत लग गई <laughs> क्योंकि एडिक्टिव सब्सटेंस निकोटीन है ना उसको भी कम करना होता है लेकिन सिगरेट से या गुटके से वो अच्छा है धीरे धीरे उसको कम करके बंद करना होता है कटिंग बैक ऑन स्मोकिंग इज़ गुड इनफ मैं पहले दस लेता था अभी मैं केवल पाँच ही लेता हूँ तो मेरे को खतरा कम हो गया है रॉन्ग ये सब माया के प्रश्न है ये सब को आपका जवाब मिल सकता है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ आई एम द ओनली वन हु इज़ हर्ट बाय माय स्मोकिंग रॉन्ग आप अगर घर में स्मोकिंग करते हैं तो आपके बीवी बच्चे को ज़्यादा है आप अकेले नहीं हैं सबको तकलीफ होती है आई ट्राइड क्विटिंग वंस एंड फेल्ड सो इट्स नो यूज ट्राइंग अगेन एवरेज स्मोकर जो छोड़ना चाहता है वो दो तीन बार कोशिश करता है और फिर वो फाइनली छोड़ देता है इसलिए एक बार आपको सफलता नहीं मिली तो निराश नहीं होना चाहिए स्मोकलेस टोबैको के मिथ है लिटिल डेप नो एवर डाइड और स्मोकलेस टोबैको से मरते नहीं हैं स्नफ माना नस्वार से कुछ नहीं होता है देर इज नो एविडेंस डेट चूइंग इज डेंजरस ये सब मिथ है तो ये तंबाकू के भी मिथ है ये आपको इंटेलिजेंटली लोगों को बताना है ठीक है ना तो मिथ का ये तंबाकू और स्मोकिंग का मैंने आपको लिया अभी आपके प्रश्न कुछ है तो बताओ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो भी मन में प्रश्न है आप पूछो क्योंकि आप जब फील्ड में जाएंगे ना आपके सामने बहुत सारी बातें आने वाली है तो हैं तो बता नहीं बताना है मैं वही कह रहा हूं आपको मैं दो दिन से वही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मित्स बता सकते हैं आप मीत बता क्योंकि मिथ्स दिमाग में घुसे हुए हैं ना तो बच्चों को आपको बहुत इंटेलिजेंटली पूछना चाहिए आपको क्या लगता है सिगरेट पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए आपका गलत डायरेक्शन वो गलत मैसेज लेके जाएंगे बराबर है उनको मैं होता तो ये पूछा ये पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग क्यों अलाउड नहीं है बताओ फिर वो बताएंगे बदबू आती है और क्या है क्यों अलाउड नहीं है फिर उधर आपको पैसिव स्मोकिंग का डेटा बताना है कि जिस घर में पिताजी स्मोकिंग करते हैं उसके बीवी और बच्चे बीमार रहते हैं अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ तो उधर उन्होंने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जिनके पापा स्मोकिंग करते हैं उनको लेटर लिखो तो एक बहन थी जिसका नाम कशिश नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसने लेटर लिखा उसके पापा कारपेंटर कारपेंटर समझते हैं तो वो कारपेंट्री के वक्त मुंह में बीड़ी कंटिन्यूसली तो उसने पापा को लिखा डियर पापा मैं आपसे बहुत प्यार करते हूँ और मैं बड़ी होके आपके सभी सपनों का पूरा करने वाली हूँ लेकिन पापा मुझे दुख हो रहा है कि जब मैं आपके सपने पूरे करूँगी तब आप जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि आप बीड़ी पीते हो और आप मरने वाले हो इसलिए पापा प्लीज़ मेरे लिए आप बीड़ी पीना छोड़ दो ऐसा इमोशनल लेटर लिखा वो लेटर पढ़ के उसके पापा के आंखों से आंसू आ गए और उसने छोड़ दिया बिड़ी है ना तो ये बात एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता चले तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट लिया कशिश की कोशिश सभी बच्चों को बोला आपने पापा को लेटर लिखो, कशिश की कोशिश क्योंकि एक लेटर से उसके पापा ने छोड़ दिया आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं बच्चों को बताओ कौन कौन से बच्चों के घर में पीते हैं पीते है। क्या आप अपने पापा को बोल सकते हैं पापा अगर आपने नहीं छोड़ा तो मैं खाना छोड़ दूंगी मर जाओगे नाटक करो <laughs> तो बच्चों के लिए माँ बाप ये सब करते हैं थोड़ा युक्ति से चलना चाहिए लेटर तो लिख सकते हैं तो ऐसे सब हो सकता है ठीक है और कोई प्रश्न है आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ हाँ हुक्का अब ये हुक्का और डेंजरस है वो क्या समझते हैं कि हुक्का वो फिल्टर हो के ज़्यादा हो गया हुक्का ये बहुत डेंजरस है सिगरेट और बीड़ी से ज़्यादा डेंजरस हुक्का है क्यों क्योंकि हुक्का जो सेशन है ना गुड़गुड़ी बोलते हैं उसको आवाज आता है वो करते हैं ना तो गुड़गुड़ -गुड़ हो के आवा है तो वो समझते हैं कि वो पानी में से आ रहा है ना तो फिल्टर होके आ रहा है पर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा अभी टाइम जाएगा कि वन हुक्का सेशन इज फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स बराबर है सिगरेट पाँच मिनट में खत्म हो जाता है पर हुक्का फोर्टी फाइव मिनट्स पीते हैं तो एक हुक्का सेशन आपने लिया तो पचास सिगरेट पीने के बराबर है इतना धुआं अंदर जाता है ये फैक्ट है मैंने ये आपको डाला हुआ है ग्रुप में आप उसको देख लेना तो हुक्का इज मोर डेंजरस एंड इट इज़ नॉट सेफ ई सिगरेट तो और डेंजरस है ई सिगरेट अमेरिका ऐसे सिर पकड़ के बैठा है ई सिगरेट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पेन होता है उसको जलाने की ज़रूरत नहीं बटन जैसे इंसुलिन का कार्ट्रिज होता है ना वैसे उसमें होता है निकोटिन बटन दबाओ धुआ आता है तो अमेरिका अभी पकड़ के क्योंकि एक पॉपकॉर्न लंग नाम की बीमारी होती है पॉपकॉर्न लंग आप गूगल पर डालो पॉपकॉर्न लंग माने जैसे पॉपकॉर्न पकता है ना वैसे लंग्स पकते हैं डाईसिटाइल की वजह से वो ई e सिगरेट में होता है और ई सिगरेट ब्लास्ट भी होती है कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ई सिगरेट के तो भारत में बैन है ई सिगरेट्स अलाउड नहीं है वो इलीगली मंगाते हैं अगर पुलिस को पता चला तो पकड़ेंगे ठीक है और कोई प्रश्न है हाँ देखना चाहते हो अच्छा है नहीं देखा और बताओ भी मत किसी को जितना ये बातें नहीं पता है उतना अच्छा है ये बड़े शहरों में है अभी तक अंदर गया नहीं है क्योंकि भारत में कायदा है अभी ई सिगरेट अलाउड नहीं है वो पेन की तरह होता है पेन है ना ऐसा होगा ऐसा ही होगा ड्राइव की तरह होगा उसमें बटन होता है उसमें कार्ट्रिज होता है उसको दबाओ तो धुआं निकलता है उसको जलाने की जरूरत है बटन दबाओ इधर पकड़ो धुआं आ जाएगा ऐसा है बनाया हुआ रामायण पूरा हो गया रामायण के बाद पूछ रहे राम और सीता कौन है इतना मैं बोल रहा हूँ कि आपको टीम बनाना है सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो ये ना बातें आप मैं पच्चीस साल से बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बैठ गए लेकिन आपको बोलने के लिए ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सबसे अच्छा तरीका क्लास में सुनाओ स्टूडेंट को बैठो सभी मैं सिगरेट के बारे में बोल रही हूँ बैठ सभी मैं शराब के बारे में बोल रही हूँ क्या क्या नुकसान होता है कैसे बनता है क्लास में स्टूडेंट के सामने सुनाओ स्टूडेंट के सामने आपको कॉन्फिडेंस आ गया फिर बाहर आप सुना सकते हो समझ गए ना तो अपने छोटे ग्रुप में इसका प्रैक्टिस करो पहले सिगरेट लो तंबाकू लो शराब लो माना टॉपिक लो और उसका प्रैक्टिस करो शराब पीते हैं तो शराब के बारे में आप स्टडी करो और उसके बारे में लोगों को सुनाओ कि क्या क्या नुकसान होता है सब मटेरियल मैंने ग्रुप में डाला हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप में ट्रेनिंग मैनुअल आप उसको पढ़ो उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो और भी मटेरियल है आप थक जाओगे इतना मटेरियल है लेकिन आप थोड़ा स्टडी करना चालू करो स्टडी करके सुनाना चालू करो ठीक है ओके okay. रुकते इधर बाबा को थैंक्स देंगे ओम शांति